क्या हो अगर जानवर भी बात करने लग जाए। मान लो कि कल सुबह मम्मी की जगह पे वो दीवार में जो चिपकली रेंगती है वो आपको आके उठा दे। जैसे ये बात हम नहीं मान सकते, वैसे ये बात भी हम नहीं मान सकते कि हम एलियन हैं। अब मानो या ना मानो, जो अब हम अपने बारे में बोलेंगे वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं किरण की आर्ट। और आज का जो पेंटिंग है उसको बनाने के लिए जो मीडियम मैंने यूज किया है वो एक्रेलिक मीडियम। तो बात करें अगर इंसानों की, बहुत से साइंटिस्ट की ये थ्योरी है कि हम इंसान इस धरती के हैं ही नहीं। और ये बात सुनने के बाद कुछ आम लोग ये सोच लेते कि साइंटिस्ट तो भैया एड़े होते हैं, पागल होते हैं, इनके बात का क्या भरोसा। और वही लोग भगवान के सामने जाके उनकी पूजा करने बैठ जाते हैं। मतलब कहाँ से सोचते हैं ये, इनको ही नहीं पता। और अगर हम जैसे कुछ समझदार लोग सोचे तो इनके हिसाब से ये होना चाहिए कि भगवान की अगर बात करें तो वो हो जाता है चमत्कार, और साइंटिस्ट अगर कर दे तो वो हो जाता है बलात्कार नहीं, वो हो जाता है नास्ते। तो इसी टॉपिक को लेके हम भी थोड़ा कुछ सोच लेते हैं, हम भी कुछ अपनी थ्योरीज रख देते हैं दुनिया के सामने, हालांकि कोई सुनेगा तो है नहीं। तो बात करें अगर जानवरों की जितनी भी प्रजाति है इस दुनिया में, उसकी अलग अलग स्पीशीज होती हैं। मतलब अलग अलग दिखने वाले लोग होते हैं, लेकिन बस एक इंसानों की नहीं होती। अब आप में से कुछ लोग खड़े होकर ये भी बोल देंगे कि कहां नहीं होती है, चाइना के लोग छोटे होते हैं, इंडिया के लोग मीडियम होते हैं, अमेरिका की लड़कियां सुंदर होती है और अफ्रीका से अपनी जाके मरवाती हैं। अब इस बात को साबित करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए रेप्टाइल्स की स्पीशीज। अब रेप्टाइल की स्पीशीज में कितनी अलग अलग प्रजाति होती है। अब जैसे कछुआ, मगरमच्छ, सांप, कमोडो ड्रैगन, लिजर्ड। अब ये बात सुनके शायद आपके दिमाग के कीड़े मर जाए कि सिर्फ 2014 तक ही इन रेप्टाइल्स की ओनली स्पीशीज ही 10,000 थी, और अब 2020 में ये बढ़ के 11,000 से भी ऊपर हो गई है। और इंसानों को अगर देखें तो इंसानों की तो कोई अलग अलग स्पीशीज ही नहीं है। इंसानों में सिर्फ एक ही तो कॉमन डिफरेंस है, हाइट का, वेट का, कलर का और शक्ल का। और कहा जाता है कि इंसानों की 9 अलग अलग प्रजातियां थी, लेकिन ये बात है 300,000 साल पहले की। अब इस बात में कितनी सच्चाई है हमको क्या पता भैया। लेकिन अभी अगर देखें तो इंसानों की तो सिर्फ एक ही प्रजाति है जिसको कहा जाता है ह्यूमन। अब इंसानों को छोड़कर दूसरी प्रजातियों को देखें तो कैट्स के तो 38 प्रजातियां हैं और डॉग्स की 340, वो भी इंसानों ने देख दूसरे की कांड मरवा के नई नई ब्रीड निकाल रखी है। और फिश की तो 28,000, और ये सब प्रजातियां उतनी है जितना इंसानों ने अभी तक ढूंढा है। क्या पता अभी और भी हो जो हमने देखा ही नहीं, अचानक से चमत्कार रूप से आ जाते हैं सामने। हाँ चलो मान लेते हैं कि हम इसी दुनिया के हैं। अगर हम इसी दुनिया के हैं तो इंसानों का जो रूप, रंग, यौवन जो है वो किसी दूसरी जानवर के साथ मिलता क्यों नहीं है। और आप में से कोई एक महाज्ञानी बोल बैठेगा कि है ना, हम पूछेंगे कौन, और तुम बोलोगे बंदर, साले बंदरों वाली हरकतें हैं तुम्हारी। लेकिन अगर बंदरों और इंसानों में डिफरेंस अगर दिखा दे तो बंदरों की पूंछ होती है और इंसानों की नहीं, और बंदरों के बाल होते हैं और इंसानों के नहीं, और सबसे बड़ा डिफरेंस तो हो गया ब्रेन का। बंदरों में दिमाग ही नहीं होता, वो खाली कॉपी करते हैं, और हम इंसान जो है हर चीज में PhD करके रखे हैं। अब PhD बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको अंग्रेजी नहीं आती, हमको भी पता है PhD का फुल फॉर्म क्या है। PhD का फुल फॉर्म है मतलब पापा हमारे दिमाग वाले। No, God, please, no, no! अब हर चीज की जानकारी हम दे देंगे तो तुम साले क्या करोगे, थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाओ। और अगर मान ले एवोल्यूशन हुआ ही है तो बंदरों से इतना अलग काय हुआ, और बचे हुए बंदरों का एवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ। कम से कम इतना तो होता ना कि इंसान की तरह दिखते थोड़ा बहुत, शरीर में कम बाल और नीचे झाट मतलब भरे पड़े। और बंदरों के जिस जगह पे बाल नहीं आते वो लिटरली लाल हुआ पड़ा है, लेकिन इंसान का पिछवाड़ा तो कभी लाल होता ही नहीं, और हमको तो जबरदस्ती लाल करना पड़ता है, और लाल करने के लिए भी एक मंत्र का सही ढंग से उच्चारण भी करना पड़ता है। अब ये सब बोलने के बाद भी कुछ महाज्ञानियों को अब भी यकीन नहीं होगा कि हम इस दुनिया से नहीं है। हाँ हमको भी नहीं है, लेकिन बस ये थ्योरीज की बात है, आपको इसमें यकीन ना करने वाली कोई बात ही नहीं, हम बस एक थ्योरी डाल रहे हैं इसमें। और अभी बात करें लास्ट पॉइंट की, यानी कि लास्ट डिफरेंस की, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा खटका है हमको, और वो बात हो गई है पावर्स की। मतलब सुपरमैन बैटमैन वाली पावर्स की बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल चीज की बात कर रहे हैं, जैसे कि कौन सी चमड़ी है आपकी, आपके चमड़ी मतलब कौन से गेंडे की परत लगी हुई है, आपके पिछवाड़े से हगे निकलती है कि हीरे निकलती हैं, इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब काफी सारे ऐसे रेप्टाइल्स है जो अपने बॉडी के पार्ट्स को रीग्रो कर लेते हैं, और अब तो हम पक्का श्योर हो गए अपने जो वुल्वरीन वाले चचा हैं ना, ये नाश्ते में जरूर छिपकली खाए होंगे।
और अगर ज्यादातर जानवरों की बात करें तो इनकी जो विजन होती है यानी कि आंखों की जो देखने की शक्ति होती है वो कलर ब्लाइंड होती है, और इंसानों में तो यह रेयरली पाया जाता है, जिसको एक बीमारी का नाम बताया जाता है, लेकिन जानवरों में तो यह बाय बर्थ नेचुरल होता है। और बर्ड्स में ईगल को देख लीजिए, वो कम से कम 2 miles यानी कि 3 से 4 kilometers दूर से किसी भी चीज को देख सकता है, और वो भी पूरा क्लियरली। और कसम से बता रहे कि अगर ये पावर लड़कों को मिल गई होती तो सनी लियोनी के घर के नीचे सीधा सड़क पे खड़े होकर उनके बाथरूम में नजर गाड़ के बैठे होते, वो भी जूम करके। मुझे भी देखना है। मारू, रुकना। अब ये बातें बहुत गलत होती हैं। अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अब अगर बंदरों की बात करें तो बंदरों की ताकत है उनके हाथ। अब उनके हाथ में इतनी ताकत होती कि बचपन से ही जिम्नास्टिक वाली हरकतें कर लेते हैं वो लोग। हाँ, इंसान भी कर लेते हैं, लेकिन वो सब वो लोग बहुत मेहनत के बाद जाके कर पाते हैं। अब ऐसा थोड़ी है इंसान के बच्चे पैदा होते ही तारजन बन जाते हैं, लेकिन इन बंदरों की ताकत तो पैदाइशी है। अब ले लीजिए गोरिल्ला को, शरीर से इतने भारी होते हैं फिर भी इतनी आसानी से लटक वटक के निकल लेते हैं यहाँ वहाँ से। इतनी ताकत तो हम भैया बाथरूम में जाके हिला के भी नहीं कमा पाते। और अब मछलियों को ही ले लीजिए, वो तो भैया पानी में सांस ले लेती हैं। और ऐसे ही बहुत सी पावर्स है, जैसे मान लीजिए रात को देख पाना, दूर की चीजों को आसानी से सूंघ लेना, हाई टेम्परेचर जैसी जगह पे आराम से घूम लेना। उसी जगह पे किसी इंसान को बोलो सहारा डेजर्ट के किसी पत्थर में कड़ी दोपहरी में जाके बिना कपड़ों के बैठ जाए, अगर चूतड़ से छाले ना निकले ना, कसम से कह रहे हैं हम ही धोएंगे जिंदगी भर तुम्हारा पिछवाड़ा। अब शायद कुछ समझदार लोग तो सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि हम कैसा सोच रहे हैं कि इंसान जो है यहाँ का जो नेचर है उससे इतना अलग क्यों है। वैसे आज के टॉपिक में मुझे बस इतना ही बोलना था, इससे ज्यादा तो कुछ बोलना है नहीं हमको। अब थोड़ा इस पेंटिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं, वरना आप सोचते रह जाएंगे कि इस टॉपिक का इस पेंटिंग से क्या लेना देना। इस पेंटिंग में मैंने बस यही बताने की कोशिश की है कि इंसान जो है वो कितना भी कुछ कर ले, वो दिखता एक जैसा ही है, चाहे वो काला हो, गोरा हो, मोटा हो, गेंडा हो, कुछ भी हो, वो दिखता एक जैसा ही है हर जगह पे। अब हमारे ब्लैक पीपल्स को ही ले लीजिए, जिनको हम इंडिया में अफ्रीकन के नाम से जानते हैं, वो लोग चीड़फाड़ करने में बड़े माहिर है। मतलब अपने होठों को चौड़ा कर लेते हैं, कान को चौड़ा कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं मतलब शरीर के साथ। और हमारे इंडिया के ऋषि मुनि ये सब तो ज्यादातर जड़ी बूटियों के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं, मतलब चीड़ फाड़ से दूर रहते हैं, ज्यादातर वेजिटेरियन ही होते हैं यहाँ के लोग, लेकिन फिर भी दिखते तो एक ही जैसे हैं ना। अफ्रीकन के काले होते हैं, यहाँ के थोड़े से सांवले होते हैं, लेकिन है तो वही इंसान। और चाइना के लोगों को देख लीजिए, दुनिया में मतलब ऐसा कोई जानवर ही नहीं है जो इन्होंने खाया नहीं होगा। कसम से कह रहा हूँ किसी दिन एलियन अगर यहाँ पे उतर जाए वो लोग उसको भी टेस्ट कर लेंगे, भैया तुम खाने में कैसे हो एक बार देखना है हमको। अब तो ये लगने लगा है कि इन चाइनीज लोगों की वजह से ही एलियंस लोग हमारे जमीन पे नहीं उतरते। अब तक जितने भी इंसानों को देखकर हमने ऑब्जर्व किया है कि उनकी सिर्फ एक्टिविटी ही अलग अलग है, बाकी दिखने में सभी सेम ही हैं। इसीलिए इस पेंटिंग में हमने यही मैसेज दिया है कि इंसानों की सिर्फ एक ही प्रजाति है इस पृथ्वी में, और दूसरे किसी प्रजाति से मिलती भी नहीं है। तो इसलिए हमको भी लगा कि हाँ, साइंटिस्ट लोग कुछ हद तक सही भी हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी है कि हम लोग एलियन भी हो सकते हैं, इस पृथ्वी से नहीं भी हो सकते हैं। अब आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, आप हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि हम एलियन हैं कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और क्यों नहीं है तो किस लिए है, और है तो किस वजह से है, मतलब। अरे कहना क्या चाहते हो? चलो अब पेंटिंग का भी एंड आ गया है, अभी दिखाते हैं हम आपको इसका अंतिम चरण। अब आपसे यही उम्मीद है कि आपको शायद ये पेंटिंग पसंद आ जाए। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और जिस टॉपिक में मैंने बात की वो अगर पसंद आए तो शेयर कर दीजिए, और अगर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया तो हमारे चैनल को वो लाल चुत्तड़ में जाके सीधा सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको हम कोई टॉपिक देना हो जिसके ऊपर मैं बात करूँ या फिर पेंटिंग बनाऊँ, तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और तब तक ले देखते रहिए किरण की आर्ट।